हेलो दोस्तों, मैं आपको मिस्टर खोलू और ट्रबल शूटर। तो चलिए वीडियो अनबॉक्सिंग करते हैं किसकी। कई लोग पता होगा कि मैंने अभी कैनन पिक्समा G3730 खरीदा है, जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग भी डाल दी है चैनल पे। और इसके साथ में वो JBL का माइक, JBL का स्पीकर कैसे फ्री मिल सकता है उसकी भी अनबॉक्सिंग, उसकी वीडियो मैंने डाल दी है कैसे मिल सकता है फ्री। उसकी वीडियो यहाँ पे आपको दिख रही होगी, आप जाकर देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। मैंने दोनों वीडियो अपलोड कर दिए। तो उसी के लिए अब आजकल मैं थोड़ा टाइम यूज़ कर रहा था, तो यूज़ करते करते वो होने लगा ख़राब नहीं इन द सेंस, मतलब कुछ में होने लगी, धूल धक्कड़ घुसने लगी। क्योंकि मेरा गेट खुला रहता है दुकान का गेट खुला रहता है, तो धूल आती रहती है और प्रिंटर कैप पकड़ता रहता है, इसलिए धूल लग जाती है। तो अब मैं चाहता हूँ क्या, तो इसलिए मैंने मंगाया है प्रिंटर के लिए कवर। कवर जानते होंगे, प्रिंटर के लिए कवर मंगाया है क्योंकि कवर धूल धक्कड़ उसमें ना घुसे। तो ये मैंने मंगाया है फ्लिपकार्ट से। अब सोचा फ्लिपकार्ट से क्यों, ज़्यादा चाहिए तो मैं अमेज़ॉन से मंगा रहा था। फ्लिपकार्ट से इसलिए क्योंकि फ्लिपकार्ट में सेम चीज़ मेरे को 270 ही पड़ रही है, वही सेम चीज़ मेरे को अमेज़ॉन में 300 रुपये पड़ रही है। कोई ब्रांड है, कोई आल्फिया नाम से कोई ब्रांड है, आपको बताऊँ तो यहाँ पे लिखा है अल्फिया प्रिंटर कवर फॉर कैनन पिक्समा G3770 ऑल इन वन ब्लू प्रिंटर कवर। तो यहाँ पे MRP देखा है, तो MRP यहाँ पे इन्होंने 499-500 रखी है, लेकिन जो मेरे को मिली है 270 रुपये की। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप यहाँ से खरीदना चाहें खरीद सकते हैं फ्लिपकार्ट से या अमेज़ॉन से। तो चलिए देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कैसा कितना काम का है, कितना इफेक्टिव है, आपको प्रिंटर पे लगा के भी दिखाऊंगा। अगर लेकिन 270 रुपये मेरे को तो जस्टिफाई नहीं लगती, काफ़ी महंगा लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब मैं प्रिंटर कवर सिलवाने में खुद में आफत आती है, अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा सिलवाने में, इसलिए मैं डायरेक्ट ऑनलाइन खरीद लिया। जानते हो फ़र्क होगा काफ़ी खरीदने में बनाने में, तब भी देखते हैं कैसा कवर है। ये नॉर्मल एक मोटा सा कपड़ा है, कपड़ा टाइप का, देखते चैन है इसमें। ये रहा कवर, आपको दिख रहा है इसमें चैन है, और वो चैन पता नहीं क्यों है मेरे को, चैन का मतलब क्यों है, ये चैन दी क्यों है, वो सामान रखने के लिए। इतना बड़ा कंपार्टमेंट है इसमें और ब्लू रंग का है, ये देख सकते हैं। ये नीचे बिल्कुल, ये जानते हो कैसा मटेरियल, आपको देख के पता चल गया होगा, क्योंकि बैग के अंदर जो मटेरियल होता है वैसे ही। और खुशबू देखो, तो मैं जो न्यू बैग आता है, जो न्यू बैग स्कूल बैग है, कैबल कॉलेज कोई सा बैग आता है, उसके जैसे सेम स्मेल है इसमें, मेरे को अच्छी लगती है स्मेल। जिसने अभी शाम हो रही, इसलिए आपको रोशनी के पता चल गया, रोशनी दिख रही होगा आपको ऐसी। मटेरियल छू के आपको बता सकता हूँ, छू के मैं मटेरियल का अंदाज़ा बताया जाता है कैसे है, आपको फोटो में देख के बचल रहा होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। इसका साइज़ की आप कंपेयर करके देखा तो साइज़ इतना बड़ा है इसका। तो दोस्तों देख सकते हैं ये वही कवर है जो मैंने, जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग अभी आपके सामने करी थी। तो जैसे पहले जैसे हमें देखने पे कोई कार्ड कवर कोई ज़्यादा खास लगा नहीं, लेकिन मेरे को अब देखने पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस पर खास बात तो कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है। तब भी मेरे को इसका आपको पूरा अच्छे बता पाऊँ, जैसे अभी मैंने इसको निकाल के दिखाता हूँ आपको। पहले मैंने इसमें यहाँ पॉकेट मिलती है, तो पॉकेट मैंने अपने पूरे पावर कॉर्ड यानी कि पूरे केबल यहाँ पे समेट के रख दी है, और जो अच्छे से समेट गई है, क्योंकि पॉकेट इसका काफ़ी अच्छा बड़ा है, पूरे यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक इतना, और इतना लंबा है, मतलब पॉकेट काफ़ी अच्छी दे रखी है सामान रखने के लिए। अगर आपको कुछ दुकान का या कुछ भी सामान रखना हो तो आप रख सकते हैं आराम से, केबल रखना चाहे केबल रख दीजिए टायर निकाल के, या कुछ एक्स्ट्रा सामान रखना चाहे रख सकते हैं, फोटो वगैरह कुछ भी रखना चाहे, और वॉलेट कुछ भी रखना चाहे। और चैन दे रखी है, चैन दिक्कत नहीं, चैन भी फिलहाल चाहिए, मगर क्वालिटी उतनी ज़्यादा कोई खास नहीं है, तब भी सही है। और आपको मैं अगर मटेरियल की बात करूँ, मटेरियल मैं पहले अगर आपको रिव्यू बताऊँगा, अगर आप फोटो में भी देखेंगे ना किसी रिव्यू में, तो वहाँ पे आप फोटोग्राफ से देखें तो मटेरियल छू के जो पता चलता है वही पता चलता है, और वैसे आपको लगेगा ठीक ठाक मटेरियल है, ख़राब लगेगा कुछ, लेकिन मेरे को मटेरियल सही है, ख़राब नहीं है, अच्छा मटेरियल है। मेरे को फर्स्ट रिव्यू में तो अच्छा लगा, पता नहीं मैं प्राइस के हिसाब से जस्टिफाई करूँगी ना करूँगी, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे को पता नहीं इतने बजट में क्या मिलता है। तो लोगों को मेरे हिसाब से तो मेरे को प्राइस के हिसाब से सही मिला है मेरे हिसाब से, आपको अलग बात लगे, लेकिन मटेरियल मेरे को सही लगा, मटेरियल हार्ड है, हार्ड क्या टाइट मटेरियल है, अच्छा है। अब इसको आपको खोल के दिखाता हूँ कैसा है और इसको यूज़ कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने इसको पैक किया, इसके नीचे आपको इलास्टिक मिलता है, देख सकते हैं मैंने इसको ऐसा कवर किया और निकाल लिया। यूज़ करना है यूज़ कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यूज़ किया यहाँ पे फोटो, अगर नहीं होना तो आप चाहे पूरा निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पूरा निकाल दीजिए आप, मैं आप पूरा निकाल के दिखा दिया, पूरा निकाल दिया मैंने। फिर जो यूज़ करना है यहाँ पे कागज़ डालिए, प्रिंट करिए, जितना जो करना है कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप चैन दोनों लगा के आप यूज़ भी कर लेंगे और फोटो भी लगा लेंगे फिर आप पैक करते, ऐसे नहीं हो सकता, आपको पूरी तरह से निकालना पड़ेगा। आपको जैसे पूरी तरह से मैंने इसे निकाल दिया, पूरी तरह से निकालते यूज़ कर लिया, यूज़ करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा ढकिए, पूरा बंद करिए, फिर वापस इसको कवर को पकड़िए
और जैसे नीचे आपको दिख रहा हो, नीचे पूरा ये इलास्टिक है, पूरा इलास्टिक है, तो ये रबर की तरह आगे पीछे फैलता है। तो यहाँ पे वो करना है, जैसे कि मैं वापस वो दिखाऊँ कैसे करना होता है। तो पकड़ना होता है इसे, पकड़ के वापस लगा दो इसे, बस ये हो गया पैक। और लगाना बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी, कोई हार्ड नहीं है, बहुत बच्चों के खेल की बात, मतलब बहुत ज़्यादा ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आप सामान रख लीजिए, और जैसे ही आपको करना है बार बार यूज़ करिए और ऑन ऑफ करिए। तो मेरे ख्याल से मेरा सही लगा। अगर आपको खरीदना हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूँगा अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का, आप जहाँ से खरीदना चाहें खरीद लीजिएगा। तो यही था वीडियो में, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ पूछना हो तो कुछ क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं आंसर देने की जरूर कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका मिस्टर कोलू ट्रबल शूटर, जय श्री राम, बोल बोले कि बम।